channel plus Pramesh eLibrary. Today we are going to see the important current affairs of 10th Feb, the analysis of the Hindu. So let's start. These are all the news articles we are going to cover today, and the detail for page number 4 different edition is also given here. The first news article, reservation and promotion in public post is not a fundamental right, says Supreme Court. So Supreme Court ne ek verdict diya hai jisme ye kaha hai ki रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. दो जजेस की बेंच थे, एन लागेश्वर राव एंड हेमंत गुप्ता, उन्होंने ये कहा है, ठीक है, कि स्टेट्स आर नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन. तो ये इस जो जजमेंट आया है उस पर कांग्रेस के जो लीडर हैं जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि सेंटर को अपील करनी चाहिए, मीन्स द सेंटर गवर्नमेंट शुड अपील अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन द जजमेंट ऑन द रिजर्वेशन. तो यही इसके बारे में पढ़ेंगे. द सिलेबस रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन अबाउट दिस टॉपिक इज हाईलाइटेड हियर. तो ये मैंने बताया जैसे कि मुकेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड था ये केस इन 2012. तो सुप्रीम कोर्ट ने दो क्वेश्चन किए हैं on two matters, whether the state government is bound to make reservation in public post. Second, state government decision to not to provide reservation only on the basis of quantifiable data on adequacy of representation of person belonging to the SCST communities. तो यही question है, आप इनके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है. First of all, the article 16 of the constitution says equality of अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो आर्टिकल 16 का 4 और आर्टिकल 16 का 4A जो क्लॉज है वो कहते हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दिस सर्विस अंडर दिस स्टेट. एंड 16(4)(a) कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी और टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द SC/ST विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट. सो इन आर्टिकल्स में यही है कि स्टेट्स आर नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन इन द प्रमोशन. आप रिजर्वेशन कर सकते हैं नियुक्ति करने में, पर प्रमोशन में नहीं. दे आर नॉट बाउंड टू मेक सच प्रमोशंस. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन द आर्टिकल 16(4) एंड आर्टिकल 16(4)(a) डू नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशन. जैसा मैंने आपको बताया, दे आर नॉट बाउंड टू क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशन. इनेबलिंग प्रोविजन डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कंसिडर फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इफ सर्कमस्टेंस वॉरंट. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक पोस्ट. स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द मेंबर्स ऑफ ST/ST. इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन हैज टू कलेक्ट क्वान्टिफाइबल डेटा ऑन एडुकेसी इन of representation of that class in public service. State government are not bound to make reservation in promotion. अगर state government चाहे to provide reservation in promotion, तो उन्हें एक data collect करना पड़ेगा on the representation of that class in the public service. Article 16(4) and 16(4)(a) says empower the state to make reservation if the opinion of the state the class is inadequately represented on the basis of the subjective satisfaction of the state sine qua non for providing reservation and promotion. And also no mandamus can be issued by the court to the state government to provide reservation. तो ये भी उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि no mandamus can be issued by the court to the state government to provide reservation. The practice question for your practice will be discussed at the end of the session. The next, fourfold jump in lithium ion batteries import since 2016, government tells Lok Sabha.
तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया हैज क्वाड्रप्ड द लिथियम आयन बैटरीज सिंस 2016। तो लिथियम आयन बैटरीज हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं 2016 के बाद से, ऐसा इसमें बताया गया। तो हम देखेंगे कैसे। द सिलेबस रेलिवेंट इज गिवन हियर अबाउट दिस टॉपिक। बैकग्राउंड, पहले लिथियम आयन बैटरी नहीं चलती थी, उसके पहले निकल एंड कैडियम बैटरीज चलती थी फॉर पोर्टेबल इक्विपमेंट्स। फिर उसके बाद इन दी अर्ली 1990s लिथियम आयन बैटरीज केम एंड वी स्टार्टेड प्रिफरिंग लिथियम आयन बैटरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिथियम इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इन चार्जिंग डिवाइसेस, लार्जेस्ट एनर्जी डेंसिटी फॉर वेट। ड्रॉबैक्स आर लिथियम मेटल अनस्टेबल एंड हैंस नॉट रिचार्जेबल। अल्टरनेटिव टू लिथियम मेटल इज द लिथियम आयन। ठीक है, ये हमने देखा कि लिथियम कैसा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इट इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल मेटल और इट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फॉर द वेट। और उसके ड्रॉबैक है कि वो अनस्टेबल है, तो लिथियम ना यूज़ करते, लिथियम आयन यूज़ करते हैं, तो इट इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर इट्स। दैन लिथियम आयन लेस दैन द लिथियम मेटल इज लेस दैन द लिथियम आयन इन एनर्जी डेंसिटी। दैन एप्लीकेशंस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज आर, इट इज यूज इन UPS ई बाइक, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, मेडिकल फैसिलिटीज, पावर टूल, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स। दिस ऑल इसमें ज़्यादा यूज होता है लिथियम आयन बैटरीज का। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द कंज्यूमर्स। उसके बाद न्यूज़ हमने देख ली कि इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स आयन लिथियम बैटरीज और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द इंडिया इज फ्रॉम द चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लाइट वेट ओके, दैन वेरी हाई डेंसिटी, रिटेन चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो मेमोरी इफेक्ट। दिस आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इट्स एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर, मीन्स डिग्रेड टू इन 2 to 3 years, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर्स, इफ ओवर चार्ज और शॉर्ट सर्किट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। और इंडिया ने अभी तक इम्पोर्ट कर चुके हैं 450.33 मिलियन यूनिट्स वर्थ 929.26 मिलियन डॉलर्स एंड फेल इन 1920 आफ्टर अ सीडी इंक्रीज इन बिटवीन 2016 to 2019। तो यही इसमें बताया है, इंडिया हैज इम्पोर्टेड 174.68 मिलियन यूनिट्स ऑफ लिथियम बैटरीज इन 2016। और फिर उसके बाद हम जंप करते गए टिल 450.33 मिलियन पर यूनिट्स इन 2019। इंडिया स्टेटस ऑन लिथियम, लैक ऑफ लिथियम मैटर एंड नो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैन्युफैक्चर। तो हाँ, लिथियम मेटल इज लैकिंग इन इंडिया और नो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैन्युफैक्चर, तो इसलिए हम चाइना, जापान और साउथ कोरिया से इम्पोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन ऑफ लिथियम बैटरीज, तो गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चला रही है ताकि लिथियम बैटरीज हमको इम्पोर्ट ना करना पड़े, हम इंडिजीनियसली उनका प्रोडक्शन कर सकें। तो इनिशिएटिव इज बाय नीति आयोग, नेशनल मिशन ऑन इन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, इट इज़ बाय नीति आयोग। और गवर्नमेंट का ये एम्बिशन है टू मेक इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2040। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज़्यादा यूज रहती है, तो इसलिए गवर्नमेंट हैज़ एम्बिशन टू मेक लिथियम आयन बैटरीज बाय द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2040। और इसी में इसरो का भी एक इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ लिथियम आयन बैटरी टू कॉम्पिटेंट इंडियन इंडस्ट्रीज, एंड इन 2018 इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी प्रोजेक्ट वॉज ऑलरेडी साइन। उसके बाद नेक्स्ट इज DRDO चीफ स्ट्रेसेस नीड फॉर इंडिजीनियस टेक इन डिफेंस। तो DRDO के जो चीफ हैं जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी, वो कहना चाहते हैं कि हमें
इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए सो दैट वी कैन कप अप इन द डिफेंस सेक्टर ऑल्सो. ठीक है, इधर आईआईटी हैदराबाद के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक स्कूटर बनाया है विच इज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर. तो उसी में ये कहा गया है कि वी नीड टू फोकस एंड स्ट्रेस मोर ऑन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज इन डिफेंस सेक्टर ऑल्सो. एंड नीति आयोग का भी एक प्रपोजल है टू लीज द लिथियम माइंस अब्रोड. तो यही इसमें कहा गया है. द प्रैक्टिस क्वेश्चन इज विल बी डिस्कस्ड एट द एंड. द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल ग्रिड लॉक लूम्स फॉर आयरलैंड. द सिलेबस रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन अबाउट दिस टॉपिक इज हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल. एक कंट्री है आयरलैंड, उसमें अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो उसी के बारे में बताया है. ठीक है, अबाउट 160 सीट्स हैं जिसपे इलेक्शन इज कंडक्टेड और उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है. तो द ऑथर वांट्स टू टेक आर अटेंशन टू द प्रोसेस ऑफ द काउंटिंग की बाय एसटीवी बाय मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से. और एक और सिस्टम है, इसमें हम दो सिस्टम पढ़ेंगे हाउ द वोटिंग इज कंडक्टेड. तो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPPS. ये एक सिस्टम है इन विच द कैंडिडेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट विंस. ये काउंटिंग का एक सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं द कैंडिडेट विन द इलेक्शन. और इसके एडवांटेज है कि ये बहुत सिंपल है, मोर चांस फॉर पार्टी और प्री पोल अलायंस टू विन मेजोरिटी हैंड स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड. उसके बाद वोटर्स टू वोट बेस्ड ऑन मेरिट्स ऑफ कैंडिडेट एंड नॉट फॉर पार्टी. इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि आर मेम्बर्स ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड ऑन दिस बेस ओनली. उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, नो क्लियर मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू विन द इलेक्शन एंड लेस रिप्रेजेंटेशन फॉर स्मॉल पोलिटिकल पार्टीज. उसके बाद एक और सिस्टम है जिसके हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन ऑफ STV. The number of seat won is proportional to the number of votes received by the party. Its process is the entire voters make an electoral college, a ballot with a preferential list of candidate voted to mark their preference in the ballot. तो इसका मतलब हुआ single transferable vote. जो भी number of seats is proportional to the number of votes received by the party. ये इसमें है. उसके बाद the counting starts the a candidate has the required quota to win election. No one with the required majority means a transfer of vote. उसके बाद elimination of least voted candidates, transfer of second preference in this ballot to the candidate. This continues if the winner is emerged. Example, President of India election, election of Vice President or election of member of Rajya Sabha and the State Legislature Council. तो दोनों हमारे इधर है, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है और जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो एफपीपीएस से होता है. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ दिस आर रिप्रेजेंटेशन ऑन द माइनर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट बिकम्स मोर रिप्रेजेंटेटिव. एंड डिसएडवांटेजेस आर one party will not get sufficient majority, unstable coalition government will be formed and voter will vote for party not for candidate. News हमने देख ली थी जो आयरलैंड में काउंटिंग हो रही है उसी के बारे में है. थ्री मेजर पार्टीज हैं वहाँ पे, लेड बाय सिन फिन गेल एंड फियान फिर इक्वाली. तो यही है. उसके बाद द क्वेश्चन फॉर मेंस प्रिपरेशन गिवन. The next news article, a nation for the prosecutor, the syllabus relevant for your examination about this topic is given here. In this article, the author discussed ki we the reasons and the need. Kya reasons hone chahiye, need hai hamare liye ki ek refugee law hona chahiye India mein. For example, the Rohingyas. To isi ke baare mein the author wants to take our attention. As you know, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो 2019 में पास हो चुका है, तो
वो भी एक इट डज नॉट इन्वॉल्व द मुस्लिम रिलीजन. तो एक ये सीए जो है वो एक रिलीजन पे बेस्ड एक एक्ट है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को हटाया गया है, बाकी सब रिलीजन जो सिक्स रिलीजन है उनको इंक्लूड किया है. और इट डज नॉट इंक्लूड द कंट्री लाइक श्रीलंका, नेपाल एंड भी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है. द आर्ग्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज इंडिया इज लीडिंग रेफ्यूजी रिसीविंग कंट्रीज और डिड नॉट साइन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951. जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने भी ये कहा था कि उन्होंने भी रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 साइन नहीं किया था. तो गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि इंडिया इज ऑलरेडी हाई रिसीविंग रेफ्यूजी रिसीविंग कंट्री. हम एक बार रेफ्यूजी कन्वेंशन देखें, इट प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज, ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, अमेंडमेंट बाय 1967 प्रोटोकॉल. अब रेफ्यूजी मीन्स अ पर्सन हु इज लिविंग आउटसाइड द कंट्री ऑफ नेशनैलिटी और हैबिचुअल रेसिडेंस, having well-founded fear of being prosecuted due to their race, religion, nationality, membership of particular group or political opinion. A refugee is unable or unwilling to return to his country or to avail protection of that country. This is what refugee means. Uske baad legal obligation of state treating refugee in accordance with the internationally recognized and legal humanitarian standard. A possibility to find safety in their state, avoid friction between state over refugee question, demonstrate willingness to share responsibility and help UNHCR to mobilize international support for refugee. तो उसमें refugees की definition है कि उन्हें कैसा treat करते हैं different countries अगर वो refugee हैं. तो अगर उनकी government चाहेगी means जो उनकी nationality है means the national government wants then only they can return to their country. और उसके बाद helping UNHRC to mobilize international support for refugee protection. Here UNHRC means guardian of the convention and the protocol, United Nations Human Rights Human Council Resolution. उसके बाद principle for non-refoulement. अब पहले हम ये term समझेंगे what is non-refoulement. रिफॉर्मेंट का मतलब अ फोर्सेबल रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज. तो द प्रिंसिपल सेज दैट अ रेफ्यूजी शुड नॉट बी रिटर्न टू अ कंट्री वेयर दे फेस सीरियस थ्रेट टू देयर लाइफ और फ्रीडम. तो ये कन्वेंशन ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई रेफ्यूजी उस कंट्री में वापस नहीं जाना चाहिए वेयर दे फेस सीरियस थ्रेट टू देयर लाइफ और फ्रीडम मीन्स जहाँ पे दे हैव they think that it is good for them or good atmosphere तो वहीं पर उन्हें जाना चाहिए, otherwise they should not go to that country. उसके बाद other right for refugee include the right not to be expelled except under certain strictly defined condition under article 32, the right to not to be punished for illegal entry in the territory of the contracting state, the right to work article 17-19, the right to housing, the right to education, the right to public relief and assistance, the right to freedom of religion, the right to access courts, the right to freedom of movement within the country, the right to be issued an identity and travel account. So ye sare राइट्स हैं इन द 1951 कन्वेंशन ऑफ द रेफ्यूजी. द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट इज अ रूल ऑफ कस्टमरी इन इंटरनेशनल लॉ मीन्स द कंट्री डिड नॉट साइन द कन्वेंशन कैन नॉट रिफ्यूज टू एडमिट अ पर्सन हु इज सीकिंग प्रोटेक्शन और अदरवाइज अमाउंट टू रिफोलमेंट. उसके बाद रोहिंग्याज इन इंडिया अक्टूबर 18 में एक रिपोर्ट में कहा है कि 7 मैन वेयर डिपोर्टेड टू म्यांमार. 7 लोगों को यहाँ से लेके चले गए थे म्यांमार. और दे द सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कुछ नहीं कहा था क्योंकि जो म्यांमार की गवर्नमेंट है उन्होंने उन रेफ्यूजीज को सिटीजन्स मान लिया था. मीन्स म्यांमार गवर्नमेंट ने दे हैव एक्सेप्टेड दोज
refugees. तो author का view on this issue, Indian government and state court both say the morally culpable, they sent Rohingyas to the country with the genocidal condition, judgment of International Court of Justice. Then problems in India's law relating to them, law does not distinguish foreigners and refugees difference. A foreigner definition in the Foreigners Act 1946 means a person who is not a citizen of India, and refugees means depend on state discretion and benevolence, not on inheritance right. And the assumption for law that execute will act on principle of humanism and non-discrimination. So these are the problems related to the refugees in India. Need for refugee law, जैसे मैंने पहले बताया था in the starting, कि government also realized कि India में refugee law होना चाहिए, क्योंकि it recognized the eligible undocumented immigrants as a refugee and assure set of binding rights will not be forced to return, assure of life of dignity along with the education, health and livelihood. So that this is a need for refugee law. उसके बाद practice question for mains preparation given here. The next news article, country's first darknet narcotic operative head. तो इस article में बताया है कि first of all darknet समझते हैं. Darknet होता है कि deep internet hidden platform that is used for narcotic sale, exchange of pornographic content and illegal activity by using the secret allies on the onion routers. तो इसको कहते हैं darknet. ठीक है, तो जो darknet चलाता था इंसान, उसको पकड़ लिया गया है, उसका नाम है दीपू सिंह. तो जो ये ऑपरेशन चलाता था उसको गिरफ्तार कर लिया है. तो इंडिया का ये फर्स्ट डार्कनेट पकड़ा गया है, उसी के बारे में इसमें बताया है. द सिलेबस रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन इज हाईलाइटेड हियर एंड द हेल्ड बाय द पर्सन दीपू सिंह इज हेल्ड बाय एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो. इट इज़ अ सेंट्रल एंटी नारकोटिक एजेंसी फॉर्मड इन 1986 अंडर सेक्शन 4(3) ऑफ द नारकोटिक ड्रग एंड Psychotropic Substance Act 1985. It works under the Ministry of Home Affairs and its function are coordination among the central and the state agency engaged in drug law enforcement, assisting states enhancing their drug law enforcement effort, collection and dissemination of intelligence, analyze the seizure data, study of trend modules, apprentices, and preparation of national drug enforcement statistics, liaison with international agencies such as Interpol, Custom Operation Council, and UNDP, UNDCP, INCB, and DRILO, etc. National contact point for intelligence and investigation. So these are the function of NCB. The practice question will be discussed now. Consider the following statement with the reference to Indian Constitution. The state can make provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens. The state can make provision for the reservation in matters of promotion of favor of any backward class citizens. So the correct answer here will be option 1, that is first, the state can make provision for the reservation of appointments or post in favor of any backward class of citizen. The second question, consider the following with reference to lithium ion batteries. They are chargeable and lightweight. They are cheaper when compared to the rechargeable batteries. India is the largest manufacturer of lithium ion batteries after China. National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage Programs aim to export around 450 million lithium-ion batteries per year. So the correct answer here will be option number A,
that is first only. And the practice question for mains preparation in India, political representatives are elected mainly through two systems, first past and post system and proportional representation by means of single transferable vote system. This is the question. And the second question, India is one of the leading refugee receiving countries. Still, India is not part of 1951 Refugee Convention. Discuss the provision of the Refugee Convention 1951. Do you think India should have a refugee law conforming to the international convention? Give reasons in support of your arguments. So, ye tha hamara aaj ka session. I hope aapko samajh aaya ho. Thank you.